गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्यन प्राइवेट आईटीआई डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को परसेंटेज स्टार्ट किया था, परसेंटेज के बारे में बताया था कि क्या है परसेंटेज, कैसे उसका सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था कि कुछ टोटल में, टोटल मान लीजिए 500 है, उसमें कुछ स्पेसिफाई मतलब कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 50, मान लीजिए टोटल 500 फल है, उसमें 50 आम है, तो आम का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे, बताए थे। चूंकि 500 फल में 50 आम, 500 फल में 50 आम, इसलिए एक फल में बताए थे 50/500, इसलिए 100 में कैसे होगा, 50/500 × 100। ऐसे बताए थे, इसको 10 से कटा दीजिए, 10 को 10 से, यानी कि 10%। प्रतिशत शब्द ये जो है, प्रतिशत शब्द का मतलब क्या है, प्रतिशत शब्द का मतलब है इन 100, मतलब 100 में। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम हम बताए थे, तो उसको बता दिए कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 700 का, 700 का 25%, क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है, 700 का 25% क्या होगा, इस शब्द को दो बार पढ़िए, 700 का 25% क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 25% मतलब क्या है, 100 में 25, तो 700 में क्या होगा, इस टाइप का है चूंकि, इसलिए। लेकिन हम लोग इसको सिंपली हम ऐसे बना सकते हैं, चूंकि 100 में 25, इसलिए एक में कितना 25/100, इसलिए 700 में कितना होगा, 25/100 × 700, यानी कि 175, क्या होगा 175। चूंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इस चीज को नहीं बनाते हुए इसको थोड़ा देखते हैं, इसको इधर अलग कर दिए। अब देखिए यहां क्या है, 700 का 25%, ठीक है। तो अब इसको सिंपली शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे 100, प्रतिशत क्या क्या मतलब होता है बटे 100, और का मतलब क्या होता है गुना। तो अब देखते हैं, इसी प्रकार करते हैं, 700 लिख दिए, का मतलब है गुना, का के बदले में हम गुना लिख दिए, अब 25 है, अब प्रतिशत शब्द को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 से 7 को कटा दिए, 7 × 125 = 175। ये थोड़ा सिंपल जैसे होता है, वो थोड़ा लिखना है, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाइएगा, इसलिए लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये समझा दिए आपको कि बेसिकली क्या चीज है, बेसिकली हम आपको समझा दिए, लेकिन बाय प्रोसेस क्या करना है, ऐसे ही करना है। और एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 75 का 16% बराबर हुआ है,
इसका मीनिंग अब दो मायने में समझिए, इसको ये भी लिख सकते हैं 75 का 16% क्या होगा। अब देखिए दोनों चीज सेम है, 75 का 16% बराबर हुआ था, और यहां देखिए दूसरा क्या चीज है, 75 का 16% क्या होगा। मीनिंग को समझिए, इसका इतना प्रतिशत बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ये भी वही चीज बोल रहा है 75 का 16% क्या होगा, इसलिए दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको बताए थे का के जगह क्या करना है, गुना लिखना है, और प्रतिशत शब्द के जगह क्या करना है, 1/100 कर देना। तो अब देखिए यहाँ 75 लिख दिए, का को लिख दिए गुना 16% क्या हो गया, 1/100, ठीक है। 25 चौक 100, 25 3 75, 4 चौक 16, 4 3 12। अब क्या हो गया, 75 का 16% कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। जो हमको क्वेश्चन बोलेगा हमको वही करना है, अपने मन से नौ कलम आगे करना है ना पीछे करना है, जितना क्वेश्चन बोलेगा जैसा बोलेगा उस टाइप का ही करना है। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 75 का एक्स प्रतिशत बराबर 12, समझिए 75 का एक्स प्रतिशत बराबर 12, चूंकि हमने एक क्वेश्चन बनाए हैं इसलिए आप लोग मन से ही बोल दीजिएगा सर 16% होगा, वो नहीं समझना, समझना है ये बेसिकली कहता क्या है, या भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 का कितना प्रतिशत 12 होगा। अब देखिए दोनों में कोई अंतर है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, दोनों में कहीं कंफ्यूज नहीं करना है, क्या है 75 का x प्रतिशत बराबर 12 या फिर 75 का कितना प्रतिशत बराबर 12 होगा, या फिर 75 का कितना प्रतिशत 12 होगा, मीनिंग बराबर एक ही है, इसका बराबर रहे या नहीं रहे लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। तो अब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए यही दिया है ऊपर नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 75 का कितना प्रतिशत बोल रहा है, कितना शब्द को हटा के हम क्या लिख देंगे, एक्स, 75 का एक्स प्रतिशत बराबर 12, जितना होगा मतलब 12 बराबर, जितना होगा कहने का मतलब क्या है, बराबर में होगा, जितना होगा वो बराबर में होगा। तो अब देखिए 75 का एक्स का आप बताए थे वही प्रोसेस से, ये का मतलब गुना, एक्स प्रतिशत मतलब 1/100 बराबर 12। अब देखिए नीचे 12 नीचे 100 है तो ऊपर चला जाएगा 100, और 75 ऊपर है तो ये चला आएगा नीचे, तो 25 चौक 16, 25 3 75, 3 चौक 12, 4 × 4 16, 4 × 4 क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब क्या हो गया, x के जगह हम लिख सकते हैं कितना, 16। अब देखिए आपका हो रहा है 75 का 16% बराबर 12। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया होगा कितनों का 16% 12 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं करना है, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि आधा ऑटोमेटिक माइंड में आ जाए, कितना का 16% बराबर 12 होगा, ये क्वेश्चन है। तो या फिर इसको ऐसे दे सकते हैं x का 16% बराबर 12, तो
तो x का मान निकालिए, ये क्वेश्चन रहेगा या फिर ये क्वेश्चन रहेगा। तो हम आपको बताए थे कि अगर ये दिया है तो ठीक है, अगर ये दिया है तो कितना शब्द को हटा क्या करना है, x डालना है। तो x का मतलब बताए थे, क्या मतलब गुना, x गुना कर दिया 16% मतलब 16/100 बराबर 12। तो x बराबर क्या होगा, 12 नीचे 100 है तो ऊपर चला जाएगा, 12 गुना 100 बटे 16, 4 × 3 = 12, 4 × 16 = 16, 25 × 100 यानी कि x बराबर 25 × 3 = 75। x बराबर कितना हो गया 75, मतलब क्या हो गया 75 का 16% बराबर 12। मतलब क्या हो गया कि इस चीज में आपको कंफ्यूज कभी नहीं करना है कितना शब्द पहले रहे, बीच में रहे या बाद में रहे, जहां पे कितना शब्द रहेगा उसको हटा के क्या करना है, एक्स डाल देना है। आपके बुक में कितना शब्द भी है और ये भी है, एक्स भी है। तो इस टाइप का छोटा छोटा प्रॉब्लम आप लोग घर में अपने से कोशिश कीजिएगा, और ये जो है इस चीज वाला एक्स वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा और डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।